प्रोफेसर सब लोग कहते हैं कि क्लास यहाँ पे बढ़िया नहीं चलती है भाई, आर्ट्स फैकल्टी में क्लासेस के नाम पे क्या मिलता है, प्रोफेसर गायब हो जाते हैं, सिलेबस पूरा नहीं होता है, सब सब बातें करेंगे, आप लोग निकलने भी वाले हैं, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। क्या सही में यहाँ पे सिलेबस पूरा नहीं होता, क्लासेस नहीं चलती हैं? क्लासेस तो आर्ट्स फैकल्टी वालों को अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो बच्चे कहाँ रहेंगे, उनको सबसे पास कहाँ जगह पड़ेगी जहाँ पे वो रूम लें, फ्लैट लें या फिर पीजी लें, हॉस्टल लें, कुछ भी लें। ये नहीं कि एससी वालों के लिए सब ऐसा किया जाए, ओबीसी हमें भी, हम लोग भी लड़के हैं, गरीब छात्र हैं, पढ़ने आए हैं, गांव से आए हैं, बताइए। क्या कोई बताया दर्शक, क्या जनरल गरीब नहीं होते हैं? हाँ, जनरल भी गरीब होते हैं, बताइए। सही आ रहे हैं हम लोग, क्या बढ़िया आ रहे हैं एकदम, भाई लोग अच्छे आ रहे हैं, भाई लोग अच्छे आने चाहिए। मैं भाई लोग किस ईयर में है? थर्ड ईयर में। बीए थर्ड ईयर? हाँ, बीए थर्ड ईयर। आर्ट्स फैकल्टी? आर्ट्स फैकल्टी। और आप भाई साहब? बीए थर्ड ईयर आर्ट फैकल्टी। क्या नाम है आपका? प्रशांत वर्मा। और आपका नाम? अभिषेक कुमार राजभर। और मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। कभी स्टूडेंट लाइफ देखा है हमारे चैनल कभी? गए हैं, विजिट किए हैं आपका? विजिट किए हैं। अरे यार, तो इतना मतलब थोड़ा प्यार से बताइए। हाँ सर, आपका चैनल विजिट किए हैं। हमने कुछ गलतियाँ की? नहीं सर, कोई गलती खास तो नहीं। खुल के बताइए, हम उस पर जरूर अमल करेंगे, उस पर काम करेंगे। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। आप अच्छे से काम कर रहे हैं इस फील्ड में। इस फील्ड में अच्छा, तीन साल आप लोगों को आर्ट्स फैकल्टी में हो गया, मजा आ रहा है यहाँ पढ़ाई लिखाई? मजा आ रहा है पढ़ाई लिखाई। हम लोगों को कोरोना के समय दो साल चला गया, इस साल खुला है अभी। कोरोना वाला पढ़ाई काम नहीं आने वाला मुझे लगता है, मैं भी कोरोना में ही पढ़ा हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, कोरोना में ऑनलाइन क्लास चले थे तो बढ़िया, सिलेबस पूरा नहीं करवा पाए। हाँ, सिलेबस हुआ था, अब उतना पूरा नहीं हुआ, उतना पूरा नहीं हुआ था, लेकिन ऑफलाइन में बढ़िया पढ़ाई चल रहा है। ऑफलाइन में बढ़िया पढ़ाई चल रहा था। अच्छा, एक बात बता है, जैसे कि जब नए नए छात्र यहाँ पे आते हैं ना, तो उनको प्रेफरेंस एंट्री में बड़ा दिक्कत होता है, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत। आपको हुआ था कभी दिक्कत? हुआ था दिक्कत। तो यार, प्रेफरेंस एंट्री के लिए क्या कुछ बताएंगे कि आपका क्या था सब्जेक्ट, आपका ऑनर्स क्या है? ऑनर्स हिंदी है भैया। हिंदी ऑनर्स? हाँ, हिंदी है। और क्या लेना चाह रहे थे वैसे? वैसे भी हम हिंदी लेना चाह रहे थे। हिंदी लेना चाह रहे थे। यहाँ आर्ट्स फैकल्टी में सुने ऑनर्स के साथ दो सब्जेक्ट और मिलता है, मिलता है। तो क्या हो, और आपका दो सब्जेक्ट क्या है? हमारा यहाँ दो सब्जेक्ट एससी और फिलोसफी। एससी और फिलोसफी। अच्छा, ये जो ऑनर्स हम लोग बोलते हैं बार बार, क्योंकि कई जगह ऑनर्स नहीं होता है, तो ये ऑनर्स क्या होता है? ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑनर्स सिस्टम है क्या वैसे? जो है तीन सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे बीए में, जो ऑनर्स सब्जेक्ट रहता है, जो आपको दो साल जो सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। और जो तीसरे साल में जब आप पहुंचेंगे तो कोई एक ही सब्जेक्ट जो आपका ऑनर्स रहेगा, बस वहीं पढ़ना, दो पेपर आपका छूट जाता है, इसीलिए उसको ऑनर्स कहते हैं। ऑनर्स कहते हैं। और आप लोग कोई तैयारी वैयारी कर रहे हैं क्या? तैयारी चल रही है ईबी त्रिपलसी पेट की। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे माहौल है तैयारी का, जैसे लोग ये भी पूछते हैं कि भैया सीयू, मेरे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भरे पड़े हैं भाई, लोग पूछते हैं कि सीयूईटी के थ्रू मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, डीयू में क्यों ना चला जाऊँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों ना चला जाऊँ, बीएचयू में क्यों आऊँ। तो यहाँ पे लोग पूछते हैं यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एफकैट, ये सब तैयारियाँ क्या लड़के करते हैं यहाँ पे? करते हैं। यूपीएससी की तैयारी तो हमारे साथ बहुत लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं फिलहाल में। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? और भी जैसे कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं बहुत लड़के हमारे साथ के, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं मतलब, और यूपीपीसीएस आरओआरओ की तैयारी कर रहे हैं लड़के। जैसे बीएससी में लड़के तैयारी करते हैं आने के बाद नीट की, जेई की, वो भी तैयारी में लगे रहते हैं। वो भी तैयारी में लगे रहते हैं। यहाँ पे बीए में एक अलग हवा बहती है, लोग यूपीएससी और एसएससी सीजीएल जैसी तैयारियाँ, एफकैट जैसी तैयारियाँ कर रहे हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में बीएचयू आ रहा है, पता है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या है? उसके बारे में भी हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, वो जो यहाँ के मतलब हेड हैं उनको भी जानकारी ज़्यादा नहीं है, जो यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के यहाँ के बनाए गए हैं, तो जानकारी के अभाव सबके पास है। आपने भी नहीं सुना कभी इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में कभी नहीं सुना मैंने। अच्छा, तो प्रोफेसर सब लोग कहते हैं कि क्लास यहाँ पे बढ़िया नहीं चलती है भाई, आर्ट्स फैकल्टी में क्लासेस के नाम पे क्या मिलता है, प्रोफेसर गायब हो जाते हैं, सिलेबस पूरा नहीं होता है, सब सब बातें करेंगे, आप लोग निकलने भी वाले हैं, कोई दिक्कत वैसे है नहीं। क्या सही में यहाँ पे सिलेबस पूरा नहीं होता, क्लासेस नहीं चलती हैं? क्लासेस तो चलती है, सिलेबस पूरा होता है, पूरा ऐसी बात। हाँ, क्लासेस तो हम लोग पढ़ रहे हैं, डेली देख रहे हैं, क्लासेस अच्छी चल रही है, और पढ़ने में जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं उसमें, मतलब टीचर्स यहाँ पे बेस्ट है। हाँ, बेस्ट है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। देखिए, एक ही बार में समझ आता है कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, सब कुछ अच्छे समझ में आता है। एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास काफी, बहुत ज्यादा। ऐसे कि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट मतलब टीचर है यहाँ पर, आप कर सकते हैं इसे, हिंदी मीडियम से या तो इंग्लिश मीडियम, कोई बढ़िया है यहाँ पे
आप पढ़ लेंगे तो हिंदी ऑप्शनल आपका लगभग लगभग तैयार हो जाएगा। हिंदी ऑप्शनल सिलेबस उसी अकॉर्डिंग किया गया है, बनाया गया है जो यहाँ का सिलेबस है हिंदी का। भाई लोग दरअसल हिंदी के हैं तो हिंदी पे ज्यादा इतना बोल रहे हैं, ये हर एक सब्जेक्ट का यही हाल है। हर सब्जेक्ट में बढ़िया से उनकी पढ़ाई अच्छे से होती है, जैसे ज्योग्राफी वालों को ज्योग्राफी बढ़िया पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स वालों को इकोनॉमिक्स, ये सब भी तो यूपीएससी का पार्ट है। यूपीएससी का पार्ट है तो सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। आप दोनों लोग को हॉस्टल नहीं मिला होगा? नहीं नहीं हॉस्टल नहीं मिला है। हॉस्टल नहीं मिला? नहीं हॉस्टल नहीं मिला। तो आर्ट्स फैकल्टी वालों को अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो बच्चे कहाँ रहेंगे, उनको सबसे पास कहाँ जगह पड़ेगी जहाँ पे वो रूम लें, फ्लैट लें या फिर पीजी लें, हॉस्टल लें, कुछ भी लें क्या? हाँ, जैसे कि छित्तूपुर में है, मतलब हैदराबाद गेट है, उधर सीर गेट है, यहाँ पर मतलब अपन रूम वूम ले सकते हैं, रूम के खाना बना सकते हैं, तो फिर हॉस्टल में हॉस्टल बहुत से लाज हैं, उधर पड़े हैं लाज पड़े हैं, लाज पड़े हुए हैं, रह सकते हैं, खाना भी मिलेगा वहाँ पर। हाँ, लगभग दोस्तों बीएचयू के 4-5 गेट हैं। तो ये जो दो गेट है, सीर गेट और छित्तूपुर गेट, ये पास में पड़ता है, हैदराबाद गेट भी है उधर, हैदराबाद गेट भी है। कितना पैसा हमें खर्चा करना पड़ेगा बस रहने का, खाने का नहीं, रहने का? रहने का कम से कम, तो अगर रूम लेकर रह रहे हैं तो कम से कम 2500 रुपये पड़ लीजिए। 2500 रुपये अगर दो लोग साथ में रहे तो एक लोग का 1200 पड़ेगा। अच्छा, 2500 रुपये में एक रूम मिल जाता है और दो लोग रहेंगे तो 1200-1250 पड़ जाएगा ये इतना। और खाना पीना आप लोग कितना खर्चा चला जाता है? खाना पीना में वही कम से कम 800 रुपये 1000 रुपये, मतलब टोटल मिला के 3500-4000 रुपये में पूरा महीना कट जाता है। कट जाता है, सही है भाई साहब? 4000-5000 के बीच में ही आपका बजट आएगा। घर से कितना पैसा आता है? घर से 5000 रुपये मिलते हैं महीने का। 5000 रुपये महीने मिलते हैं आपको? वही 4000। 4000-5000। इतने में छात्र यहाँ पे पढ़ ले रहा है, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं बीएचयू वाले। आप लोगों ने कभी देखा, गए वहाँ पे? नहीं गए हैं। ओएससी वालों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। उसको थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव पे समझ करके उसको सभी लोग को तैयारी करवानी चाहिए। हाँ, सभी लोग तक, मतलब लोग कर रहे हैं। अगर सफल होगा तो आगे कराएंगे, हमारे हमको ऐसी उम्मीद है। हाँ, लेकिन अगर उनका कहना है कि अगर मान लीजिए कि हम SC ST को छोड़ करके और भी सभी लोगों को बुलाते हैं, कमांड क्लास चलाते हैं, तो लगभग पूरा BHU आगे पढ़ने लगेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, सभी लोग पढ़ने लगेंगे उसमें जाकर। तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो फिर वही गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। हो सकता है कोई एंट्रेंस निकाल दे उसका, कि हाँ जिसको एंट्रेंस निकाले उसी का एडमिशन उसमें मिलेगा, वहीं पढ़ सकते हैं केवल छात्र उसमें। जैसे कि ये नहीं कि SC वालों के लिए सब ऐसा किया जाए, OBC हमें भी, हम लोग भी लड़के हैं, गरीब छात्र हैं, पढ़ने आए हैं, गाँव से आए हैं। बताइए, क्या कोई बताया दर्शक, क्या जनरल गरीब नहीं होते हैं? हाँ, जनरल भी गरीब होते हैं, बताइए। हर कैटेगरी में गरीब होते हैं, पिछड़े वर्ग हैं, हर कैटेगरी में हर कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। मानसिक आय और वार्षिक आय सबकी कितनी है एक बार चेक कर लेना चाहिए उठा करके। ऐसे ही नहीं, BPL कार्ड और कई कार्ड बन रहे हैं, ठीक है, और जनरल के भी बन रहे हैं। अच्छा, तो बढ़िया है यहाँ पे? बढ़िया है सब। यार बहुत ज्यादा मैंने प्रश्न नहीं पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत प्रश्न नहीं। SC ST वाला थोड़ा सा ठीक है, वो भी चलता। अब सवाल आप पूछते उसके बारे में, हमको थोड़ा बहुत बस इंस्टाग्राम पे देखे थे इसलिए उस पर कुछ नहीं बोल पाए। जो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ सबको मालूम हो, सबको मालूम है, सब लोग UPSC नहीं क्वालिफाई कर जाते। सही बोल रहे हैं कि नहीं? और हमेशा मतलब हमने आपसे क्या बोल के वीडियो स्टार्ट किया कि हमारी कुछ बुराइयाँ हैं बताइए हम सही करेंगे, यही बोला ना मैंने? और कुछ बोला था आपसे? नहीं कुछ नहीं, यही बोला था ना, आप अगर मेरी बुराइयां बताएंगे या फिर मेरी कमियां ढूंढेंगे तो मैं आज शाम को बैठ के उसको थोड़ा सा उस पर सोचूंगा, कुछ करने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास दिमाग है तो। नहीं तो भाई, कोई अगर रे बोल दिया तो उससे झगड़ा कर लूंगा मैं। ठीक है, तो इस अच्छा, ये आप लोग 3 साल यहाँ पे पढ़ चुके हैं, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कोई आर्ट्स फैकल्टी में टॉप करता है तो उसको बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा प्रेफरेंस डालना चाहिए, क्या सब्जेक्ट है ऊपर से? ऊपर से तो हमें लगना चाहिए यही SC है, फिलोसफी, मतलब कि हमारे हिसाब से देखिए जो हम पढ़े हैं वही अच्छा लगता है हमें। और सब हाँ, अपने प्रेफरेंस होंगे, जिसको जैसा तैयारी करना, जिस फील्ड में जाना है उस सबसे सब्जेक्ट ले, उस फील्ड से हाँ, वो मतलब अपने सब्जेक्ट में जाना है उसके लिए अपना जो सब्जेक्ट जिस एकेडमिक में जिस सब्जेक्ट में बनाना चाहते हैं अपना वही सब्जेक्ट ऑनर्स में रखें। आप लोग कहाँ से? वैसे बनारस से। बनारस से? बनारस से। क्या बात है गुरु। तो गुरु एक बात बताइए, आप लोग भी जब ये भी थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं देख रहे हैं तो आप लोगों में से भी कई लोग BHU के छात्र देख रहे होंगे, थोड़ा बताइएगा क्या कम्बिनेशन सही पड़ेगा जो ऊपर से लोग एकदम हाईएस्ट नंबर पा रहे हैं, कट ऑफ में जा रहे हैं, ऊपर से उनको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, फिर मीडियोकर को कौन सा चुनना चाहिए, थोड़ा सा कुछ प्रेफरेंस का लिस्ट 5-7-6 कमेंट करेंगे तो ये जूनियर्स आकर के कमेंट में देखेंगे
और उनको शायद फायदा मिलेगा, हमको और आपको बताने वाला शायद 3-4 साल पहले कोई नहीं था। कोई नहीं था आपके समय में, फिर भी लोग आ गए थे। यूट्यूब पे आ गए थे थोड़ा सा हम देखे, वैसे ही सब डाल दिए थे, अब क्या करें। सब्सक्राइब करना चाहिए लोगों को। हाँ सब्सक्राइब तो करना चाहिए, लाइक भी करें। पता है मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करें, और लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते यार। नहीं नहीं सब्सक्राइब करिए भैया, बढ़िया काम कर रहे हैं इस फील्ड में, आप लोगों को जानकारी प्रदान कर रहे हैं, एजुकेशन की हर एक जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं यार। हर फैकल्टी हर इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें उनके चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों लोगों का, और मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़ से। तब तक के लिए मानसून मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत।